हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिगल के बारे में। तो बेसिकली जिगल में लाइक आप लोग कैसे जिगल करना होता है, प्लस जिगल के फ़ायदे क्या है, उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा वो। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने ड्रॉप शॉट एंड जंप शॉट के बारे में बनाई थी एक वीडियो, बट ये वीडियो मैं पूरी आपको जिगल के ऊपर बताऊँगा। तो अब बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग चले जाते हैं ट्रेनिंग मोड में। एंड अब यहाँ पे देखो, बेसिकली जिगल का ना बेनिफिट तो देखो बहुत सारे है, ओके, बट यहाँ पे उसको कैसे यूज़ करना है उसको मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं जिगल की बेनिफिट बताऊँगा कि बेसिकली क्या मतलब कि क्या बेनिफिट है उसके। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम प्रो प्लेयर्स जंप शॉट एंड जो ड्रॉप शॉट यूज़ करते हैं, ओके, उससे अच्छा ज़्यादा प्रीफर करते हैं जिगल देना, क्योंकि जिगल में आप जो एनिमी होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो आप ट्रैक नहीं कर पाते, ओके। अब यहाँ पे मूवमेंट होती है बेसिकली अचानक से ही, अगर दो चीज़ होती है, अगर सरप्राइज अटैक करता है एनिमी, हमारे इस गेम में सरप्राइज अटैक बहुत होते हैं, मतलब कि अचानक से ही एनिमी आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पे दो चीज़ करते हैं लोग, ओके, एक ड्रॉप शॉट मार देते हैं, ओके, और एक कि भाई यहाँ पे जिगल करते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक एनिमी आ गया है तो आप और उसका दोनों का स्कोप तो ओपन हो जाएगा ही बस। बट अब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो ड्रॉप शॉट मारेंगे या तो फिर जिगल करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने देखे प्रोज, जितने भी प्रोज हैं वो जिगल देते हैं, ड्रॉप शॉट बहुत ही मारते हैं, ड्रॉप शॉट ऐसा भी नहीं है बट वो कभी कभार कम मारते हैं। बट जब क्लोज रेंज की फाइट होती है 5 to 10 meters, ओके, 5 meters समझ लो, 5 to 10 meters, तो ऐसे में तो जिगल ही होती है, ओके, ड्रॉप शॉट होते ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, जिगल आपको इजीली देनी है तो सिंपल देखो, मैं हिप फायर में बता रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग बंदे मार रहे हो फॉर एग्जांपल, ओके, तो यहाँ पे ये जिगल दे रहे हो आप लोग, ओके। तो यहाँ पे हमारी इस गेम में इतना जिगल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हिप फायर में, ओके, हिप फायर में इतना जिगल कोई नहीं देता, हमारे में ADS का इंपॉर्टेंस है, ओके, हम ADS में हम लोग जिगल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक अच्छी जिगल देनी है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग ना सेटिंग में जाना, ओके, एंड उसमें जो आपका यहाँ पे जो ये लेआउट है उसमें जो आप लोग ये जॉयस्टिक रखते हो, ऑपोसिटी बढ़ा लेता हूँ, वेट अ सेकंड, ओके, सो यहाँ पे जो जॉयस्टिक है, ओके, वो छोटी कर दो, ओके, जितनी हो सके उतनी जॉयस्टिक को छोटी कर दो, मतलब कि जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो वहाँ तक रख दो, ओके, अब इतनी भी छोटी मत करना कि भाई आप कंफर्टेबल भी ना हो, अच्छी तरीके से उसको यूज़ भी ना कर सको, बट बने तब तक छोटी कर दो। मैं देखता हूँ लोग बड़ी बड़ी जॉयस्टिक रखते हैं, बट बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बने तब तक छोटी कर दो। तो यहाँ पे आप लोग मूवमेंट भी अच्छी दे पाओगे, जिगल तो अच्छी कर पाओगे साथ साथ में आप लोग मूवमेंट भी अच्छी दे पाओगे इसीलिए। तो यहाँ पे पहली एक चीज़, अब यहाँ पे बेसिकली हमारी जो इस गेम में ना लाइक एज कम्पेयर टू हम लोग पबजी की बात करें तो वहाँ पे TP भी है, तो वहाँ पे लोग ना चलते चलते भी इधर ऐसे ऐसे चलते हैं, ओके, आगे चलते हैं ना, तो वो लेफ्ट राइट चलते हैं, ओके, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, कोई भी अगर प्रो देखते होंगे तो आगे चलते होंगे तो ऐसे लेफ्ट राइट चलते होंगे, ओके, बट हमारे में ऐसे चलने में इतना इतने प्लेयर है नहीं जो कि ऐसे चलते हो, नॉर्मली ऐसे ही चलते हैं और फिर जब एनिमी आता है तो मारते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मली जो हम लोग चलते हैं उसमें जिगल की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट यहाँ पे जब बात आती है ADS, तो ADS में हम लोग अगर बात करें एग्जांपल ले तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम लोगों को जिगल दे के मारना पड़ता है, ओके, नॉर्मली इतना जिगल तो देना ही पड़ता है। अब यहाँ पे जब आप जिगल दे रहे हो, ओके, तो जिगल के यहाँ पे बेनिफिट ये है कि भाई साला आप लोगों को ना एनिमी का जो एम असिस्ट होता है, ओके, तो वो उसको इतना बेनिफिट नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप जिगल दोगे, ओके, तब उसका एम हिलेगा, एम से आप हटोगे, ओके, लेफ्ट राइट होगे तो एम से हटोगे, तो उसका एम असिस्ट पहले तो उसको हेल्प नहीं करेगा, ओके, और आपको ट्रैक करना मुश्किल पड़ जाएगा, आप पे ना उसका एम लाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जिगल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगल सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज वीडियो देखा और कल सीख लोगे, ओके, कभी कभार तो एनिमी के मारते टाइम आप भूल जाओगे जिगल देना है, नॉर्मली खड़े रहोगे, ओके, बट उसके थोड़े टाइम के बाद ना मसल मेमोरी बन जाएगी। अभी फिलहाल ना मैं नॉर्मली एनिमी देखता हूँ ना, तो मेरी इतनी उंगलियाँ हिलना शुरू ही हो जाती है, मेरा जो थंब है जिससे मैं जॉयस्टिक यूज़ करता हूँ वो थंब अपने आप मारते टाइम ना लेफ्ट राइट होना शुरू हो ही जाता है अपने आप ही। क्यों? वो एक मेरे मसल मेमोरी बन चुकी है और मैं अब मेरा सेट हो चुका हूँ, आदत बन चुकी है। तो यहाँ पे जिगल के लिए मैंने बता दिया, बेनिफिट बता दिए, ओके, प्लस कैसे करना है, यहाँ पे आपको जॉयस्टिक कम रखनी है, छोटी रखनी है, सॉरी, बने तब तक छोटी कर दो जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो वहाँ तक, एंड देन लेफ्ट राइट करना है, तेज़ी से करना है, तेज़ी से, ओके। अब यहाँ
यहाँ पे दो टाइप की जिगल है, एक स्मॉल जिगल और एक बड़ी जिगल, ओके मतलब कि लॉन्ग जिगल, शॉर्ट जिगल एंड लॉन्ग जिगल। तो शॉर्ट जिगल में ऐसी इतनी ही होती है देखो, ओके इतनी होती है, जबकि लॉन्ग जिगल होती है उसमें इतनी होती है, ओके इतनी लॉन्ग होती है। तो यहाँ ये लॉन्ग जिगल थोड़ी स्लो होती है, जबकि जो शॉर्ट जिगल होती है वो तेज़ी से होती है, ओके तो मैं दोनों करता हूँ, ओके बट लॉन्ग जिगल मैं थोड़ी कम करता हूँ, कभी कभार बहुत ही इंपॉर्टेंट जब फाइट होती है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फाइट है तभी मैं लॉन्ग जिगल देता हूँ। बाकी शॉर्ट जिगल में मैंने शॉर्ट जिगल एकदम तेज़ी से होगी, बहुत ही तेज़ी से आप लोग घुमा सकोगे, अपना जो एम है वो बहुत ही तेज़ी से आपका जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट राइट होगा बहुत ही तेज़ी से। एंड यहाँ पे जिगल मैं पहले वापिस से बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ओके इसमें ये जिगल देने में, शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर हिल रहा है लेफ्ट राइट हो रहा है, तो सामने आपको एम भी उसके ऊपर ही रखना है। अब कभी कभार तो ऐसे अच्छे प्लेयर के सामने मैं खेला हुआ हूँ कि जो सामने मैं भी जिगल दे रहा हूँ उनकी भी जिगल चल रही है, ओके तो मुझे मेरी जिगल पर फोकस करना है, उनकी जिगल पर मुझे मेरा एम भी ट्रैक करना है, उसकी बॉडी पर रखना है। सो लाइक इट नॉट ईजी, ओके सो थोड़ा आप लोग जैसे जितना आप जिगल करोगे ज़्यादा उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी फास्ट आपकी एक मसल मेमोरी बन जाएगी। तो कोई भी कभी भी नॉर्मल फाइट भी लोगे ना तो आपकी है एडीएस खोलने के बाद आपका नॉर्मली जिगल देना शुरू ही हो जाएगा, आपका अंगूठा जिगल देना शुरू ही कर देगा। सो ये सिंपल चीज थी जिगल के बारे में, मैंने बता दिया जिगल इंपॉर्टेंट है। यस आप लोग जब सामने वाला जिगल करेगा ना तब आपको पता चलेगा जिगल कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके सो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई आपका आप लोग जिगल देते हो या नहीं देते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनती है। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ वगैरह की वीडियो हिंदी में मैं लाता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।